And it goes a little something like. Hello friends, welcome to our Education is a Passion channel. Today we are going to know about chapter 1, Chemical Reaction and Equation, class 10 science. In this lecture we have cleared all the topics of this chapter. So this is one short lecture of this chapter. In this chapter, Chemical Reaction and Equation, we have to be know about what is a physical change and what is a chemical change. So we are looking for physical change. What is a physical change? Physical change. In this physical change, no new substance formed. In physical change जो होता है उसमें कोई भी नया substance form नहीं होता है. वो substance अपना shape size को change करता है. It changes of shape, size, color or density or original substance. ओरिजिनल सबस्टांस का वहाँ चेंज करता है अपना शेप. जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखेंगे वो अपना शेप चेंज करता है फिजिकल चेंज में, या फिर साइज वो बड़ा था तो छोटा हो जाएगा, अपना कलर वो रेड होगा तो वाइट हो जाएगा, या फिर कोई भी कलर अपना कलर चेंज करेगा. और डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स घनत्व, पार्टिकल्स का बीच का डिस्टेंस, वो भी चेंज करता है फिजिकल चेंज में अपना. कोई भी मैटर चेंज करता है अपना ओरिजिनल सबस्टांस का. एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर, जैसे वाटर को लोग बॉइल करते हैं तो वो चेंज हो जाता है वाटर वेपर. मीन्स वाटर को जो बॉइल करते हैं वाटर पेपर में चेंज करता है. मीन्स वाटर जो था पहले लिक्विड था, फर्स्ट लिक्विड था, उसका पार्टिकल्स जो थे थोड़े दूर दूर में थे, वो लिक्विड स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था, वो चेंज हो जाता है वेपर में. वेपर, वेपर जो है वो है गैस, गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स दूर दूर होंगे. मीन्स यहाँ डेंसिटी इसका जो था डेंसिटी चेंज होगा वेपर में, जब वो चेंज होगा डेंसिटी चेंज हुआ प्लस मैटर का शेप चेंज हुआ. पहले वो लिक्विड था, बाद में वो गैस बन गया. साइज, पहले वो कंबाइन था, वॉल्यूम था, फिक्स वॉल्यूम था, यहाँ वॉल्यूम चेंज कर गया. वही फिजिकल चेंज में चेंज करता है. जिसका एग्जाम्पल्स हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, सेकेंड है मेल्टिंग ऑफ आइस. बर्फ जब पिघलता है तो वाटर बनता है. बर्फ जो कि पहले सॉलिड था लेकिन वो चेंज हो जाता है वाटर में मेल्ट करने के बाद, पिघलने के बाद सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है. मीन्स उसका शेप चेंज हुआ, उसका साइज चेंज हुआ. सॉलिड आइस का फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम था, लेकिन वाटर का फिक्स्ड शेप तो नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है. और डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर, वाटर और नमकीन वाटर, मीन्स सॉल्टी वाटर जो था, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर जो होता है वो, उसको हम लोग डिसोल्यूशन करते हैं, उससे हम लोग सॉल्ट और वाटर को अलग करते हैं. ये भी एक फिजिकल चेंज है. जिससे समुद्र का पानी जो कि सॉल्टी वाटर होता है जिसमें नमक मिला हुआ होता है, उससे हम लोग फ्रेश वाटर और नमक को अलग जब करते हैं तो वहाँ पे भी फिजिकल चेंज होता है. क्योंकि फ्रेश वाटर प्लस सॉल्ट, यहाँ पे फिजिकल चेंज होता है क्योंकि यहाँ पे वाटर, फ्रेश वाटर और सॉल्ट को पहले मिक्स किया गया था, इसको रिवर्स कर लिया गया. फिजिकल चेंज में जो भी रिएक्शन होता है उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं. मीन्स जैसे आइस को पिघला कर तो वाटर बना सकते हैं, वैसे ही वाटर को भी जमा करके फ्रीज करके आइस पर भी बना सकते हैं. फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, मीन्स उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं. अब हम लोग थोड़ा केमिकल चेंज देखते हैं. केमिकल चेंज जिसमें न्यू सबस्टांस फॉर्म, दो से ज़्यादा सबस्टांस का रिएक्शन होगा तो वहाँ पे एक नया सबस्टांस फॉर्म होगा जिसका चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टी. जैसे एग्जांपल्स देखते हैं केमिकल रिएक्शन का, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन. जब कभी कोई भी आयरन का मेटल जो है वो हम लोग खुला एटमोसफेयर में उसको रख देते हैं तो वाटर, एटमोसफेयर से वाटर जो है उसके साथ, उसको और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पे एक रस्ट नाम का एक मैटर फॉर्म करता है. यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, मीन्स यहाँ रिएक्शन होने के बाद एक नया सबस्टांस फॉर्म हो रहा है और केमिकल प्रॉपर्टीज, रस्ट का प्रॉपर्टी भी चेंज हो जा रहा है. जैसे आयरन जो था उसका प्रॉपर्टी कुछ और था और ये रस्ट जो फॉर्म हुआ इसका प्रॉपर्टी कुछ और होगा. वैसे ही एग्जाम्पल में है कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बनना, वहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है. वहाँ पे लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो है वो रिएक्ट करके कर्ड बनाता है, दही जमाता है. कैंडल ऑफ बर्निंग मतलब कैंडल का बर्निंग, मीन्स
कोई भी कैंडल हो गया, मोमबत्ती, उसको जब हम लोग जलाते हैं तो वहाँ वैक्स जो है वो कंबाइन होता है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, एटमोसफियर में O2 ऑक्सीजन जो है उसके साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और फोर्थ जो है कम्बस्टन ऑफ LPG, LPG गैस का जो है उसको जलाते हैं जब हम लोग खाना बनाने के लिए LPG गैस को, तो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्योंकि LPG जो जल जाता है वो LPG को हम लोग रिवर्स करके फिर से LPG नहीं बना सकते हैं, ना ही आयरन का रश हो गया इसको हम लोग फिर से रश कर सकते हैं, मतलब रश जैसे कि यहाँ पर जो रश फॉर्म हुआ था इसको हम लोग रिवर्स करके आयरन नहीं बना सकते हैं। जो दही बन गया, जो दूध दही बन गया उसको हम लोग रिवर्स करके दही से दूध नहीं बना सकते हैं। वैक्स, जो भी मोमबत्ती का वैक्स जल गया उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए केमिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। इस चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मीन्स यहाँ पे हम लोग स्पेशली केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन जो है वो होता है, वहाँ पे केमिकल चेंज होता है, इसलिए अब हम लोग केमिकल चेंज को पढ़ लिया। अब इसी को आधार बना करके हम लोग आगे चैप्टर को पढ़ने और समझने। अब हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन, जैसे हम लोग केमिकल चेंज देखे थे वो केमिकल चेंज कब करता है, जो केमिकल रिएक्ट करता है, तो वो केमिकल चेंज से मिलता जुलता ही है इसका डिफिनेशन केमिकल रिएक्शन का। जैसे कि इसका डिफिनेशन है, वन और मोर सबस्टांस, एक और एक से ज़्यादा सबस्टांस जो है सबस्टांस रिएक्ट करते हैं, दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और फॉर्म करते हैं न्यू कंपाउंड, कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसका न्यू प्रॉपर्टी के साथ में, जैसे कोई भी दो कंपाउंड मिक्स हो मतलब रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसका नया कुछ नया प्रॉपर्टी हो। मैग्नीशियम रिबन जो है उसको हम लोग क्लीन करते हैं, साफ करते हैं बिफोर बर्न इन एयर, मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने से पहले ही हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हम लोग पहले साफ कर लेते हैं, क्योंकि उसमें एक कोट लगा हुआ होता है, मीन्स उसमें एक लेयर लगा हुआ होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में ही पाया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो बहुत समय तक खनिज पदार्थ, मैग्नीशियम एक फॉसिल फ्यूल है, वो रिएक्ट फॉसिल फ्यूल है जो कि पहले ही रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, और वो अपने ऊपर में एक कोट मतलब एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इसलिए हम जब कभी भी मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन का यूज करते हैं तो उससे पहले उसको क्लीन करते हैं, मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड वहाँ से क्लीन करते हैं। ये होता है केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे होता है केमिकल रिएक्शन। दिस हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, जो हम लोग क्लीन करते हैं वही हम लोग को हिंडर करता है बर्निंग का प्रोसेस करवाने के लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन, जो कि हेल्प करेगा हम लोग को कि देखने में या फिर डिटरमाइन करने में वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहला ऑब्जर्वेशन है चेंज इन स्टेट, कहीं कहीं केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज होता है, जैसे कि H2 गैस है, O2 गैस है, दोनों कंबाइन होगा और फॉर्म करेगा H2O जो कि लिक्विड है, H2 गैस है, जैसे कि H2 गैस है प्लस O2 ये भी एक गैस है, फॉर्म करेगा H2O जो कि लिक्विड होगा। यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट जो था गैस था और रिएक्शन करके फॉर्म किया वाटर जो कि लिक्विड है। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन में वहाँ पे स्टेट भी चेंज करता है, कहीं कहीं पे कलर चेंज करता है, जैसे एलिमेंट कलर का भी चेंज होता है, जैसे रिएक्टेंट का कुछ और कलर होगा और प्रोडक्ट का कुछ और कलर होगा। वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहीं कहीं पे रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में वहाँ पे इवोल्यूशन गैस का भी इवोल्व करता है, जब गैस भी इवोल्व करता है, जब कभी गैस इवोल्व करेगा रिएक्शन का लास्ट में तो वहाँ ये सिंबल से डिनोट किया जाता है गैस इवोल्व कर रहा है। अब देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभी टेम्परेचर में भी चेंज होगा, जिसका एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे। जब सिलेकेड लाइम जो होता है चूना, जब क्विक लाइम और जब सिलेकेड लाइम चूना जो होता है उसको वाटर में हम लोग मिक्स करते हैं तो वो दोनों रिएक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट बनाएगा सिलेकेड लाइम वो सिलेकेड लाइम के साथ में वहाँ पे हीट एनर्जी भी रिलीज करेगा, मीन्स उसका ही वहाँ पे हीट वो चीज़ प्रोडक्ट जो होगा वो गर्म हो जाएगा
वहाँ पे टेम्परेचर भी राइज करता है। टेम्परेचर पहले वो ठंडा था, रूम टेम्परेचर में था चूना, CaO चूना जो था वो रूम टेम्परेचर में था जो कि सॉलिड है, वो रिएक्ट किया वाटर के साथ, वाटर जो कि लिक्विड है। और कभी भी हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसे एक लाइन में लिखने का प्रयास करेंगे, या फिर जो रिजल्ट होगा उसे हम लोग या नीचे लिख सकते हैं या फिर सीधा लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि आगे दिखाते हैं, CaO और H2O जब रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर फॉर्म होगा CaOH का होल टू प्लस हिडन मैंस। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज करेगा, इसका मतलब उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा प्रोडक्ट का। वही यहाँ पे टेम्परेचर चेंज किया कहीं, अब जो फिफ्थ पॉइंट जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, इसका भी एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे। प्रेसिपिटेट मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ उसके नीचे में डॉट में वाइट पार्टिकल्स आ जाएंगे जो कि इनसोल्यूबल पार्ट्स आ जाएंगे, उसे हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसको रिप्रेजेंट हम लोग इक्वेशन के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन को लिखने में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसे केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन इस प्रकार है, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन थ्रू सिंबल्स एंड फॉर्मूला। सिंबल और फॉर्मूला के मदद से कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब हम लोग कुछ केमिकल इक्वेशन का सेकंड पॉइंट जो है वो देखते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज रिटेन एज गैस का जी, मीन्स कोई भी एलिमेंट जो कि रिएक्शन में यूज हुआ है उसको जब हम लोग इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो उसका स्टेट जो होगा, अगर वो सॉलिड गैस होगा तो उसे जी से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो लिक्विड होगा तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो सॉलिड होगा तो स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट के अंदर में, या और अगर वो एलिमेंट या फिर वो कंपाउंड अगर वाटर में बनता है वाटर में तो उसे हम लोग एक्वस बोलेंगे, उसको AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो थर्ड पॉइंट है रिएक्शन केमिकल इक्वेशन का वो देखते हैं। द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर प्रेशर एंड कैटलिस्ट आर इंडिकेटेड अबव एंड बिलो द एरो। कभी भी केमिकल रिएक्शन जब होता है वहाँ पे हम लोग को कभी एनर्जी लगाना भी पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर, कोई भी कुछ रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग को टेम्परेचर कम या फिर बेसी करना पड़ता है, या फिर कुछ प्रेशर लगाना पड़ता है, या फिर कुछ कैटलिस्ट एक वैसा एलिमेंट होता है रिएक्शन में जो कि यूज होता है, लेकिन उसका कोई यूज होता है वो रिएक्शन को जल्दी फास्ट करवाने के लिए। ये जैसे रिएक्टेंट में यूज होता है वैसे ही हम लोग रिजल्ट में मिल जाता है, ओनली ये यूज होता है रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए। इसको हम लोग अबव या फिर बिलो एरो के नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग CaO जो क्विक लाइन को जो सिलेक्टेड लाइन वो सॉलिड होता है चूना, उसको हम लोग H2O वाटर में मिक्स करते हैं, वाटर जो होता है लिक्विड के स्टेट में पाया जाता है, CaO जो लाइन जो है वो सॉलिड होता है। जब ये दोनों का रिएक्शन होगा तो वहाँ पे हम लोग को रिजल्ट मिलेगा CaOH का होल टू मीन्स सिलेक्टेड लाइन जो कि एक्वस हुआ, क्योंकि ये मिलेगा हम लोग को वाटर में मिक्स मिलेगा और हीट के साथ में मिलेगा, हीट एनर्जी भी वहाँ पर रिलीज होगा। जैसे कि हम लोग चूना और वाटर को मिक्स करते हैं तो वहाँ पे वो गर्म हो जाता है, वहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होता है। जो ये दोनों एलिमेंट और कंपाउंड्स जो कि यूज हुआ रिएक्शन करवाने में इसे हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो हम लोग को रिजल्ट मिला इसे हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन हुआ और ये होगा रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, जिसको हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। हम लोग लिखे रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे हम लोग राइटिंग केमिकल इक्वेशन, कैसे लिखते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन को, कैसे पता करेंगे वो स्केलेटर है, स्केलेटर इक्वेशन। कुछ केमिकल इक्वेशन स्केलेटर होता है, जैसे स्केलेटर क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर अनइक्वल, मीन्स एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम जो होगा एलिमेंट्स का जो कि रिएक्शन में फॉर्म हुआ है
वो कभी कभी अनइक्वल होता है। जिसका एग्जांपल इस प्रकार है, एग्जांपल देखते हैं, H2 प्लस O2 फॉर्म H2O। H2 जो है ये हाइड्रोजन का, यहाँ पे 2 एटम है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का भी 2 एटम है, लेकिन जो फॉर्म हुआ है रिजल्ट उसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है और ये ऑक्सीजन कुछ नहीं, मतलब ऑक्सीजन का 1 एटम है, लेकिन इतने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम लोग को हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करके रखना चाहिए, कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग को बैलेंस करके रखना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन समय वो रिएक्शन जब होगा तो वहाँ पे स्केलेटल फॉर्म होगा, लेकिन हमें उसे बैलेंस करना होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर इक्वल। रिएक्शन का दोनों साइड का एलिमेंट्स का एटम जो होगा जब बराबर होगा उसे हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल, इसे जैसे हम लोग ये स्केलेटल था, अभी यहाँ पे ये स्केलेटल है, दोनों अनइक्वल है, इसे हम लोग इक्वल करना अभी आगे सीखेंगे, कैसे हम लोग इक्वल करते हैं और क्यों हम लोग इक्वल करते हैं वो आगे देखते हैं। जब दोनों साइड का एलिमेंट्स का एटम अनइक्वल होगा तो उसे स्केलेटल बोलेंगे, और जब दोनों साइड का एलिमेंट्स का एटम जो होगा इक्वल होगा उसे हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जब हम लोग इसी एग्जांपल में जब हम लोग यहाँ पर 2 लगाते हैं, कभी भी हम लोग बैलेंस करते हैं तो आगे में 2 लगाते हैं, आगे किसी कोई भी एलिमेंट का आगे, पीछे हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं, आगे 2 लगाते हैं, तो यहाँ पर H क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला मल्टीप्लाई करता है, H हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ पे H2 है, तो हम लोग यहाँ 2 लगाते हैं तो H हो गया 4, और ये 2 जो है ये O के लिए भी कॉमन है, यहाँ पे हो गया O2, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब बैलेंस हो जाएगा, तब यहाँ पे दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो इसे हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। इससे पहले वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन था। अब देखते हैं काहे हम लोग बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 9 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, मीन्स कोई मास जो है वो ना ही वो कोई भी रिएक्शन में मास ना ही कम होता है ना ही बढ़ता है, मास जो है वो खाली रिएक्शन में यूज जरूर होता है लेकिन ना वो बढ़ता है और ना ही घटता है। जैसे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड, मीन्स हमेशा नंबर ऑफ एटम जो होगा एलिमेंट्स का दोनों साइड का हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें बताता है कि कोई भी एलिमेंट्स का या फिर कोई भी कंपाउंड में मास कभी वेरी नहीं करता है कोई भी रिएक्शन में, इसीलिए हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। एग्जांपल में जैसे H2O2 वाला जैसे था, यहाँ पे H 2 एटम है, O का भी 2 एटम है, यहाँ H2O देखते हैं, H का 2 O का 2, H और O का 2 जो है, यहाँ H का 2 है, O का कुछ नहीं है। कभी भी हम लोग बैलेंस जब केमिकल इक्वेशन करते हैं तो हम लोग हमेशा वेरिएबल कॉन्स्टेंट वेरिएबल हम लोग आगे लगाते हैं, कोएफिशिएंट हम लोग यहाँ पे वेरिएबल लगा के बैलेंस करते हैं। तो यहाँ देखते हैं H2 है, यहाँ O2 है, तो यहाँ O को 2 करने के लिए यहाँ लगाते हैं, वो यहाँ हम लोग 2 नहीं लगा सकते हैं ना यहाँ लगा सकते हैं, हम लोग फ्रंट में बस लगा सकते हैं कोई भी कंपाउंड का, यहाँ 2 लगाते हैं तो O तो 2 यहाँ भी हो गया, इस साइड भी O2 हो गया, लेकिन इधर H4 हो गया, तो H को 4 करने के लिए हम लोग यहाँ 2 लगाते हैं, दोनों मल्टीप्लाई होके H भी 4 हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग पहला टाइप देखने जा रहे हैं, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो वो होता है जिसमें 2 or more एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, 2 or 2 रिएक्टेंट होंगे और दोनों कंबाइन होकर के एक नया कंपाउंड बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। उसका फॉर्मूला इस प्रकार होता है, कोई भी रिएक्टेंट ए और बी, रिएक्टेंट 2 भी हो सकते हैं 2 or more भी हो सकते हैं, कंबाइन होंगे और फॉर्म करेंगे सी। एग्जांपल में जैसे Mg मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड है, प्लस O2 ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा 2MgO। जैसे 2Mg जो है वो सॉलिड है ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट हुए, दोनों कंबाइंड होकर के फॉर्म किए एक रिजल्ट जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नोट करने वाली बात है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो एक्जोथर्मिक भी हो सकता है, एक्जोथर्मिक मीन्स हीट एनर्जी रिलीज भी कर सकता है। एक्जोथर्मिक क्या होता है, उसका डिफिनेशन है हीट एनर्जी प्रोड्यूस और रिलीज, जहाँ कोई भी केमिकल रिएक्शन में जहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज होगा या फिर प्रोड्यूस होगा वो एक्जोथर्मिक होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन।
एग्जांपल जैसे हम लोग शुरू में ही लिए थे CaO प्लस H2O, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, कंबाइन होगा फॉर्म करेगा CaOH का होल प्लस हीट एनर्जी। यहाँ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ या फिर रिलीज हुआ, वही यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखने जा रहे हैं जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का सेकेंड टाइप जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जहाँ पे एक कंपाउंड रिएक्टेंट जो होगा वो एक होगा जिसको कुछ एनर्जी चाहिए होगा, मीन्स उसको एनर्जी देना होगा हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, किसी भी एक फॉर्म में उसे एनर्जी देना होगा। एनर्जी को देना को हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक। जहाँ हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको इंडोथर्मिक, और जहाँ से एनर्जी हम लोग को प्रोडक्ट के रूप में मिलता है उसे हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो एक कंपाउंड जो है रिएक्टेंट जो कि एनर्जी लेगा, मीन्स इंडोथर्मिक है, एनर्जी हीट के फॉर्म में ले सकता है, लाइट के फॉर्म में ले सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ले सकता है, जो टू ब्रेक इनटू टू और मोर कंपाउंड एलिमेंट्स और प्रोडक्ट। मीन्स यहाँ एक रिएक्टेंट जो होगा एक कंपाउंड होगा जो जिसको कुछ एनर्जी चाहिए होगा, मीन्स वो इंडोथर्मिक है, एनर्जी हीट के फॉर्म में भी मिल सकता है, लाइट के फॉर्म में भी मिल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी मिल सकता है। वो एनर्जी से अपने आप को ब्रेक करेगा दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स में, वो प्रोडक्ट जो कंपाउंड में ब्रेक करेगा वो दोनों कंपाउंड जो होंगे वो प्रोडक्ट होंगे इस रिएक्शन का। यहाँ पे एक और एक थर्मल डिकम्पोजिशन, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए इक्वल टू, यहाँ पे एनर्जी चाहिए इसको कोई भी फॉर्म में, बी प्लस सी, मीन्स एक कंपाउंड जो होगा रिएक्ट करके दो सिमिलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन होगा, वहाँ पे एनर्जी को यूज करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जहाँ पे इसका भी लगभग तीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी तीन पार्ट होता है, तीन टाइप्स होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन वहाँ होता है जहाँ पे हम लोग जो इंडोथर्मिक एनर्जी जो इंडोथर्म होता है, इंडोथर्मिक एनर्जी जो होता है वो हीट होगा, तो वो होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसमें हम लोग हीट लगाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे हम लोग जो एनर्जी जो दिए वो हम लोग हीट के रूप में दिए, इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। और दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जहाँ इलेक्ट्रिक करेंट की मदद से ब्रेक डाउन होगा कंपाउंड, रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होगा दो सिमिलर कंपाउंड्स में। उसका एग्जांपल है वाटर, वाटर को जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करेंट पास करवाएंगे तो O2H2 प्लस O2 में ब्रेक डाउन कर जाएगा। इसका रिएक्शन हम लोग सेकेंड चैप्टर में क्लियर देखेंगे। और थर्ड जो है फोटोलाइटिक, फोटो मीन्स होता है सनलाइट, फोटोलाइटिक या फिर फोटो, इसको फोटोलाइटिक भी बोलते हैं या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, जिसमें सनलाइट की मदद से रिएक्शन होगा। इसका एग्जांपल है AgBr सिल्वर ब्रोमाइन, इसको इस पर सनलाइट पड़ेगा तो यह 2Ag+Br2 में डिकम्पोज हो जाएगा, मीन्स ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं थर्ड केमिकल रिएक्शन। जो कि है डिस्प्लेसमेंट, मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। इसका केमिकल फॉर्मूला जो है AB, कोई कंपाउंड है वो रिएक्ट करेगा C के साथ, तो इस रिएक्शन के बाद C और B एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे और ये डिस्प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे केस होता है कि C जो है C को मोर रिएक्टिव होना चाहिए, यहाँ पे हियर C इज मोर रिएक्टिव देन A। ये रिएक्शन तभी होगा म्यूचुअल आयन आयंस का, यहाँ पे C जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है A से,
इसलिए ए को वो डिस्प्लेस कर देगा अपना प्रोडक्ट में, ए को डिस्प्लेस कर दिया, बाहर कर दिया, और सी और बी के साथ देखने आया कंपाउंड फॉर्म किया, वही करता है, वही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। हम मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सी जो है वो मोर रिएक्टिव है ए से, तो वो ए का जगह ले लेगा प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट की तरफ, और ए को डिस्प्लेस कर देगा, वही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है एफ ई आयरन फेरस प्लस सी यू एस ओ फोर कॉपर सल्फेट, जब रिएक्ट करेगा तो एफ ई एस ओ फोर एक कंपाउंड फॉर्म कर लेगा और एक सी यू कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। यहाँ पे एफ ई जो है ये मोर रिएक्टिव है सी यू के साथ, एफ ई जो है वो मोर रिएक्टिव है सी यू से, इसलिए वो सी यू को डिस्प्लेस कर दिया प्रोडक्ट के साइड में, एफ ई सी यू का प्लेस ले लिया। यही था थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते हैं क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स। कोई भी दो कंपाउंड अपना आयंस चेंज करता है नया कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे है Na2SO4 प्लस BaCl2। कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग आधा अधूरा नहीं लिख सकते, या फिर यहाँ पे इक्वल टू डाल करके यहाँ BaSO4 प्लस N2NaCl नहीं लिख सकते हम लोग ऐसा। केमिकल रिएक्शन को हमेशा या फिर एक पूरा स्ट्रेट लाइन में पूरा रिएक्शन को शो करना होगा, या फिर इक्वल टू को अलग लाइन में शो करना होगा, इसलिए ऐसा गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसे ऐसे लिखे Na2SO4 आगे, यहाँ पे नया केमिकल मतलब यहाँ आगे केमिकल रिएक्शन पूरा नहीं अट पाता, इसलिए हम लोग जो ये एरो का साइन है उसको डाउन किए और उसके बाद लोग प्रोडक्ट को यहाँ लिखे हैं। मीन्स यहाँ देखिए Na2SO4 था और एक BaCl2 दो कंपाउंड थे, आयन म्यूचुअल आयन का एक्सचेंज हुआ। यहाँ Ba जो था वो Na2 का प्लेस ले लिया, BaSO4 हो गया प्रोडक्ट में, और जो Cl जो था वो Na के साथ रिएक्ट करके NaCl बन गया। यहाँ दोनों आयन्स अपना म्यूचुअल एक्सचेंज किया, अपना प्लेस को चेंज किया। इसके केमिकल फॉर्मूला जो है Ab+CD, Ab एक कंपाउंड है, CD एक कंपाउंड है, इसका म्यूचुअल आयन एक्सचेंज हुआ, A और D एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ, और B और C एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ। इसमें एक नोट करने वाली बात है कि ये जो BaSO4 जो है एक प्रिसिपिटेट है, मीन्स एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म हो गया इस रिएक्शन में। इसलिए प्रिसिपिटेट क्या होता है वो भी हम लोग जान जाते हैं। आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद, जब व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ सॉलिड स्टेट कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये एक कोई भी रिएक्शन होने के बाद कोई भी एक सॉलिड स्टेट में उसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल में जो ये यहाँ पे इस रिएक्शन BaSO4 जो है एक सॉलिड फॉर्म हो गया रिएक्शन के बाद में, तो ये रिएक्शन जो है इसको प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी कह सकते हैं, जिसमें BaSO4 जो है वो एक प्रिसिपिटेशन है। अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन। यही केमिकल रिएक्शन का लास्ट टाइप है। ये रिडॉक्स रिएक्शन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, RED रेड और OX ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखने की जगह एक ही केमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर दो रिएक्शन आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीजन एटम कोई कंपाउंड या फिर एलिमेंट गेन करेगा तो वहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर कोई भी रिएक्शन में जब हाइड्रोजन कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड लॉस करेगा तो वहाँ पे भी होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जस्ट इसका उल्टा है रिडक्शन रिएक्शन। मीन्स पहले हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में है 2Cu कॉपर जो है, कॉपर सॉलिड है प्लस O2 ऑक्सीजन गैस है। जब दोनों को हीट करेंगे, ये डेल्टा का साइन हीट के लिए शो होता है, जब दोनों को हीट करेंगे तो 2CuO कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा। यहाँ पे कॉपर एलिमेंट जो था वो एक इकलौता एलिमेंट था,
उस वो ऑक्सीजन को गेन किया और एक नया कंपाउंड फॉर्म किया CuO, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। अब देखते हैं रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन भी जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पे गेन को यहाँ पे ऑक्सीजन गेन करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम गेन करता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन लॉस करता है। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं, CuO यही कॉपर ऑक्साइड है और प्लस हाइड्रोजन गैस, जब दोनों को बर्न करेंगे तो फॉर्म करेगा, बर्न किए तो फॉर्म किया Cu कॉपर प्लस वाटर। यहाँ पे हाइड्रोजन जो था यहाँ पे कॉपर जो था कॉपर ये लॉस किया ऑक्सीजन एटम को और खुद कॉपर बन गया, यहाँ ऑक्सीजन एटम का लॉस हुआ और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडाइज हुआ, ये हाइड्रोजन जो था ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर जो था वो रिडक्स हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन रिडक्ट हो गया और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो गया, इसलिए ये रिएक्शन हो गया रिडक्शन का एग्जाम्पल। जब कभी भी कोई भी एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हुआ तो इन दोनों के एजेंट भी होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट, वो हम लोग अब आगे देखने जा रहे हैं क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो जैसे LIC एजेंट होता है ना, जो LIC करवाते हैं, वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज करवाते हैं, और कुछ होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूस करवाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे हम लोग देखे थे रिडक्शन रिएक्शन में, उसका एग्जांपल जो देखे थे, जैसे हम लोग देखे थे रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल, जो वही एग्जांपल को लेकर के हम लोग समझते हैं, पूरा रिडॉक्स रिएक्शन भी समझते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी समझते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी समझते हैं, ऑक्सीडेशन भी समझते हैं और रिडक्शन, सब भी एक ही एक ही एग्जांपल में सब समझते हैं हम लोग। एग्जांपल है CuO प्लस H2, यहाँ पे हीट करने के बाद मिलता है Cu प्लस H2O। CuO यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन को क्या किया लॉस किया, तो ये यहाँ पे क्या हुआ रिडक्शन, जहाँ ऑक्सीजन गेन करता है वहाँ होता है ऑक्सीडेशन और जहाँ ऑक्सीजन लॉस लेस करता है वहाँ होता है रिडक्शन। और ये H2 यहाँ पे H2 बस है, यहाँ ऑक्सीजन ही गेन करके H2O बना लिया, यहाँ पे गेन हुआ ऑक्सीजन का तो ये हुआ ऑक्सीडेशन, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये किसी को ऑक्सीडाइज करवाया, ये H2O को इसको ऑक्सीडाइज करवाया, मीन्स यहाँ वाइस वर्सा हो जाता है, H2 जो था पहले कुछ नहीं H2 बस था, इसको ऑक्सीडाइज होकर के H2O बना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ H2 में ऑक्सीडेशन होकर H2O बना, यहाँ पे CuO जो था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ये अपने ऑक्सीजन को इसको दे करके यहाँ H2O फॉर्म करवाया, और H2 जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि H2 के कारण ही CuO में रिडक्शन हुआ। मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो किसी को ऑक्सीडाइज करवाया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है CuO जो H2 को ऑक्सीडाइज करवा के H2O फॉर्म किया, और रिड्यूसिंग एजेंट होगा H2 जो कि CuO को रिडक्शन करवाया, CuO में ऑक्सीजन को रिडक्ट करवा करके CuO फॉर्म किया। मीन्स ये यहाँ पे रिडक्शन हुआ, इस रिएक्शन में रिडक्शन ही करवाया और ये यहाँ ऑक्सीडेशन करवाया, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जस्ट उल्टा होता है दोनों में। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन जो हम लोग अभी पढ़े उसका क्या क्या इफेक्ट होता है हमारी रोज की जीवन मर्रा लाइफ, जो रोज की जीवन मर्रा में जैसे हम लोग लाइफ जी रहे हैं उसमें क्या क्या इफेक्ट होता है, इसके दो इफेक्ट होते हैं। पहला हम लोग देखते हैं इस स्लाइड में रेंसिडिटी। रेंसिडिटी वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इन फूड रिजल्टिंग इन बैड स्मेल एंड टेस्ट। जो हम लोग घर में खाना बनता है वो कुछ समय के बाद उसमें ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑयल्स फैट्स, तो वो बैड स्मेल करने लगता है, महकने लगता है खाना, और टेस्ट में भी कुछ अजीब सा लगने लगता है। यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑयल्स में भी ऑक्सीजन पाया जाता है या फिर हाइड्रोजन, फैट्स में भी ऑयल्स और फैट्स जो कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बल्कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। कैसे इससे बचेंगे हम लोग, खाना जो हम लोग का बैड स्मेल करने लगता है कुछ समय के बाद और बैड टेस्ट करने लगता है, उसे हम लोग कैसे बचेंगे, हाउ टू अवॉइड, उसको कैसे अवॉइड करेंगे। पहला, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट मींस रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यहाँ पे ऑयल्स और फैट्स जो हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो ऑक्सीडाइज करवाते हैं ऑक्सीडेशन करवाते हैं,
तो जो खाना हम लोग का बैड स्मेल करने लगता है, बैड टेस्ट करने लगता है, उसको हम लोग कैसे अवॉइड करेंगे वो देखते हैं। हाउ टू अवॉइड, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि ऑक्सीडाइज करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है, उसमें अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट मींस रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे तो वो बैड स्मेल नहीं करेगा और टेस्ट भी नहीं करेगा कुछ समय के बाद। और उससे कैसे बच सकते हैं, एयर बाय पैकिंग इन एयर टाइट कंटेनर। जब खाना को कुछ भी फूड को जब हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे तो वो ऑक्सीडेशन से बच सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए बच सकता है। अब थर्ड जो है बाय कीपिंग वेजिटेबल फ्रूट्स इन फ्रिज। जैसे हम लोग खाना को या फिर फल को सब्जी को फ्रिज में रख करके भी ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ एटमोस्फेरिक एयर नहीं मिलेगा तो वहाँ ऑक्सीडेशन होने का चांस कम हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि लेस कुरकुरे जो बहुत 4-5 महीने पुराना बना हुआ रहता है, लेकिन वो फ्रेश रहता है, उसका वही कारण है कि वहाँ फ्लशिंग होता है बैग्स ऑफ चिप्स में एंटू गैस, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है चिप्स में। जब चिप्स फुला होता है वहाँ नाइट्रोजन गैस होता है, जिसके कारण चिप्स जो है 2-3-4 महीना तक खराब नहीं होता है, वो उसको ऑक्सीडेशन से बचाता है एंटू गैस। अब हम लोग आगे देखते हैं कोरोजन। मेटल्स आर ईटन अप बाय एक्शन ऑफ एयर वाटर एंड अदर सब्सटेंस। मेटल्स जो हैं उसमें एक्शन, मेटल्स में हवा पानी और कुछ कुछ अलग अलग सब्सटेंस का एक्शन के कारण उसका मात्रा कम होने लगता है, उस घटने लगता है अपना ओरिजिनल वेट और अमाउंट से, उसे हम लोग कोरोजन कहते हैं। आयरन इज कोरोडेड बाय एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन एंड ह्यूमिडिटी एंड फॉर्म रेड ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जैसे आयरन इज कोरोडेड बाय एटमोस्फेयर ऑक्सीजन एंड ह्यूमिडिटी एंड फॉर्म रेड ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन जो है वो कोरोडेड होता है, मीन्स कोरोजन की तरह आयरन में भी आयरन का भी मात्रा घटता है एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी के कारण, जहाँ वहाँ पर एक रेड ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है आयरन में, उसे हम लोग रस्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में जंग लगने के बाद जो निकलता है वो रस्ट है। और कैसे हम लोग, अब देखते हैं हम लोग कैसे अवॉइड करेंगे ये कोरोजन, कोई भी मेटल को कोरोजन होने से कैसे बचाएंगे, उसका मात्रा कोरोजन उसका मात्रा घटता है, उसका मात्रा नहीं घटने से कैसे बचाएंगे। अगर पेंटिंग कर देंगे, कोई भी मेटल को पेंट कर देंगे, जैसे हम लोग गेट टूट को पेंट कर देते हैं तो वहाँ जंग लगने का कारण कम हो जाता है। ग्रीसिंग, जैसे कोई साइकिल का टायर मतलब साइकिल में हम लोग ग्रीसिंग करते हैं शटर उटर में, कहें कि वहाँ का लोहा अपने जंग ना लगे और रेगुलर यूज हो, बोल के वहाँ ग्रीसिंग करते हैं जिससे वहाँ जंग नहीं लगता है, गैल्वेनाइजेशन करते हैं जिससे वहाँ पे कोरोजन नहीं होगा, और इलेक्ट्रो प्लांटिंग करते हैं जिससे वहाँ पे कोरोजन नहीं होगा। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। अब मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो में इसी चैनल में। क्लास 9th और 10th का हर साइंस मैथ का हर चैप्टर सॉल्व कराया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।